पेट्रोल डिझेलची झालेली भरमसाठ वाढ कमी करण्यात यावी आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी पेट्रोल डिझेलवर लावलेला टॅक्स कमी करावा, जेणेकरून नागरिकांना पेट्रोल डिझेलच्या भावामध्ये दिलासा मिळेल. सरकार महागाईच्या संदर्भामध्ये झोपलेले आहे. निवेदनाच्या माध्यमातून झोपलेल्या सरकारला जागे करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. महागाई आणि पेट्रोल डिझेल भाव कमी न झाल्यास येणाऱ्या काळामध्ये MIM माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा MIM तालुक्याध्यक्ष अशफाक खाटिक यांनी दिला आहे. आज पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजारिश है, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम और महंगाई को लेकर बहुत सी जगह धरने आंदोलन और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं. इस खासदार इम्तियाज जलील के हिदायत पर आदेश पे पूरे महाराष्ट्र में दिया गया है. वो जैसे चोपड़ा शहर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की जानिब से हमने भी यहाँ पर चोपड़ा शहर तहसीलदार कार्यालय में निवेदन दिया है. और जो भी बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार बिल्कुल शासन एकदम यानी सोई हुई है और ये इसके लिए हम सरकार को जगाना चाहते हैं. अब आगे देखते हैं, अगर नहीं हुआ वैसा तो आंदोलन भी करेंगे. चोपड़ा तहसील कार्यालय के अंदर हम आज हाजिर हुए हैं ये अपील लेकर कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. और सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर कोई फैसला लें. और इम्तियाज जलील साहब खासदार जो औरंगाबाद, इनकी हिदायत में हम ये काम कर रहे हैं. और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे ये निवेदन को आगे तक के पहुँचाएं और इसके ऊपर कोई कड़ा फैसला लें.